हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यशगुन लर्निंग पर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास सेकंड का लेसन नंबर 10, नोटी चिल्ड्रन के क्वेश्चन आंसर ग्रामर वर्कशॉप और उसका वोकैबुलरी पार्ट। इसका हिंदी ट्रांसलेशन हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने इसका हिंदी ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज नहीं किया है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से कर सकते हैं। ओके, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, वेयर डिड द थ्री फ्रेंड्स लिव्ड, तीनों दोस्त कहाँ रहते थे। आंसर देखिए, द थ्री फ्रेंड्स लिव्ड इन मूर्ति अपार्टमेंट्स, तीनों ही दोस्त मूर्ति अपार्टमेंट में रहते थे। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड जेनेलिया नॉट लाइक टू द स्टेयरकेस, जेनेलिया को स्टेयरकेस क्यों नहीं अच्छा लगा था, क्यों नहीं पसंद था। देखिए आंसर, बिकॉज इट वॉज डार्क एंड डर्टी, क्योंकि वहां अंधेरा था, इट वॉज डार्क, वहां अंधेरा था एंड डर्टी, और वो जो स्टेयरकेस था वो गंदा भी था। ओके, तो इसलिए वो जेनेलिया थी, सो जेनेलिया डिड नॉट लाइक द स्टेयरकेस। नंबर थर्ड देखिए, व्हाट डिड द ओल्ड मैन मटर, अब देखिए जो ओल्ड मैन था वो किस लिए बड़बड़ा रहा था। मटर होता है बड़बड़ाना, अपने आप ही कुछ बोलना धीरे धीरे। आंसर देखिए, द ओल्ड मैन मटर, तो जो बूढ़ा आदमी था वो बुदबुदा रहा था, बड़बड़ा रहा था, क्या, यू नॉटी चिल्ड्रन, कहते कि अरे तुम शरारती बच्चों, रनिंग डाउन द स्टेप्स, इस तरह से सीढ़ियों से नीचे भागते हुए, लाइक दिस, अगर तुम इस तरह से नीचे भागोगे तो यू शुड हैव किल्ड योर सेल्स, तुम अपने आप को ही मार लोगे। यानी कि उनका कहने का मतलब था कि जिस तरह से तुम यहाँ सीढ़ियों से नीचे भाग रहे हो, अगर इस तरह से भागोगे तो तुम्हें किसी दिन चोट लग जाएगी या तुम अपने आप को ही मार डालोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, व्हाट एन आइडिया डिड मिस्टर निरुपम दास गिव टू द चिल्ड्रन, मिस्टर निरुपम दास ने उन बच्चों को क्या आइडिया दिया था। तो आंसर देखिए, मिस्टर निरुपम दास गिव एन आइडिया टू द चिल्ड्रन टू मेक ए किड्स क्लब, तो निरुपम दास थे जो, उन्होंने बच्चों को एक किड्स क्लब बनाने का आइडिया दिया था। ओके, तो ये हुए इसके क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, ग्रामर वर्कशॉप पर। ग्रामर वर्कशॉप में आपको टॉपिक दिया गया है शुड और शुडंट का। शुड मतलब जो काम आपको करना चाहिए और शुडंट जो नहीं करना चाहिए। ओके, देखिए, यू शुड नॉट थ्रो पीस ऑफ पेपर ऑन द फ्लोर, कागज के टुकड़े आपको फर्श पर नहीं फेंकने चाहिए। तो जो काम नहीं करना चाहिए तो वहां आप क्या करोगे, शुडंट का यूज। यू शुड थ्रो देम इन द डस्टबिन, तुम्हें जो कागज के पेपर होते हैं, टुकड़े होते हैं, उन्हें डस्टबिन में फेंकना चाहिए। अगर जो काम करना चाहिए तो वहां आपको क्या लगाना है, शुड। शुड इज यूज टू से दैट सम एक्शन इज करेक्ट थिंग टू डू। अब जो शुड का जो यूज है वहां किया जाता है जो आपको कार्य करना चाहिए, जो करने के लिए उचित है, तो वहां शुड लगाओगे, और जो करना उचित नहीं होता वहां आप शुडंट का यूज करोगे। ओके, डी पार्ट देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद शुड और शुडंट, आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, यहाँ आपको शुड का यूज करना है या फिर शुडंट का। ओके, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, यू डैश ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, अब ट्रूथ होता है सच, स्पीक बोलना, ऑलवेज हमेशा, हमें तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए। अब देखिए, ये जो है ये हमें करना चाहिए, हमें हमेशा ही सच बोलना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, शुड, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। सेकंड देखिए, वी डैश मेक फन ऑफ अदर्स, हमें दूसरों का मजाक क्या करना चाहिए, उड़ाना चाहिए या नहीं उड़ाना चाहिए, अगर उड़ाना चाहिए तो शुड लगेगा, नहीं उड़ाना चाहिए तो शुडंट लगेगा, तो क्या आएगा इसमें, नहीं चाहिए, हमें किसी का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, शुडंट। नंबर थर्ड देखिए, एवरीवन डैश लीव द बाथरूम क्लीन एंड ड्राई, एवरीवन, प्रत्येक को, सभी को क्या है, लीव, रखना चाहिए द बाथरूम, बाथरूम को कैसा, क्लीन, साफ, एंड ड्राई, और सूखा, तो सभी को ही बाथरूम जो है साफ और क्लीन रखना चाहिए, सूखा रखना चाहिए, तो यहां पे क्या आएगा, शुड, तो
यहाँ पे हम शुड का यूज करेंगे. नंबर फोर देखिए, यू डैश वॉक इन द रेन, यू विल कैच कोल्ड. तुम्हें बारिश में नहीं चलना चाहिए. यहाँ पे देखिए क्या करोगे, चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, यू विल कैच कोल्ड, तुम्हें कोल्ड हो जाएगा. तो देखिए यहाँ पे क्या यूज होगा, नहीं करना चाहिए, तुम्हें बारिश में नहीं चलना चाहिए, इससे तुम्हें क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, सर्दी लग जाएगी. तो यहाँ हम शुडंट का यूज करेंगे. के फिफ्थ नंबर देखिए, नो वन डैश टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी, किसी को भी लाइब्रेरी में तेज नहीं बोलना चाहिए. तो क्या होगा, नो वन शुड टॉक लाउडली इन द, यहाँ पे देखिए नो जो है हमने स्टार्टिंग में ही लगा दिया, तो यहाँ पे जो है हम ओनली शुड का यूज करेंगे. नो वन शुड टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी. नंबर सिक्स देखिए, यू डैश बैंग द डोर शट. अब क्या है कि बैंग होता है, जैसे जोर से जब दरवाजे को बंद करते हैं उसे बैंग बोलते हैं, खींच कर, मतलब जोर की आवाज एक लाउडली साउंड के साथ जब दरवाजे को हम बंद करते हैं तो उसे बोलते हैं बैंग. ठीक है, बैंग द डोर शट. हमें जोर से दरवाजे को नहीं बंद करना चाहिए, एकदम मतलब जोर से आवाज के साथ. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, शुडंट, यू शुडंट बैंग द डोर शट. नेक्स्ट पार्ट है वोकैबुलरी. वोकैबुलरी में आपको क्या दिया गया है, जंबल लेटर्स दिए गए हैं. के रीअरेंज द जंबल लेटर्स टू फॉर्म द नेम ऑफ फ्रूट्स. अब यहाँ पे आपको जो लेटर दिए गए हैं, ये फ्रूट्स के, इन लेटर्स से फ्रूट्स के नेम बनते हैं. और आपको हिंट के तौर पर यहाँ पर एक ये सेंटेंस भी दिया गया है, आप अगर आपको नहीं बनाना आता तो आप ये हिंट से समझ सकते हैं. के तो देखते हैं फर्स्ट जंबल लेटर कैसा क्या बनेगा. दिस फ्रूट इज रेड. अभी आपको हिंट मिल रहा है कि ये जो फ्रूट है वो रेड कलर का होता है. अब याद करो कि रेड कलर का कौन कौन सा फ्रूट होता है, इससे कौन सा जो है फ्रूट नेम बनेगा, पी एल ए पी ई, तो कौन सा बनेगा, एप्पल, ए डबल पी एल ई. के सेकंड देखिए, दिस फ्रूट इज वेरी बिग. ये फ्रूट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है. अब बताओ कौन सा फ्रूट ऐसा होता है जो काफी बड़ा होता है, तो क्या होगा, वाटरमेलन. वाटरमेलन बहुत बड़ा होता है ना. नेक्स्ट देखिए, दिस फ्रूट इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स. इस फ्रूट्स को फलों का राजा कहा जाता है. ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, कौन होता है फलों का राजा, मैंगो, एम एन जी ओ, मैंगो. के नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, फोर्थ नंबर पॉइंट पे, दिस फ्रूट हैज द नेम ऑफ इट्स कलर. इस फ्रूट का जो नेम है उनके कलर के अकॉर्डिंग है. बताओ कौन सा ऐसा है जो फ्रूट नेम में, जो वर्ड जो है फ्रूट नेम में भी आता हो और कलर्स नेम में भी आता हो, तो ऐसा कौन सा है, ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज. के नंबर फिफ्थ पॉइंट देखिए, दीज आर येलो एंड वेरी सोर. ये येलो होते हैं और बहुत ही खट्टे होते हैं, तो बताओ क्या है, क्या होते हैं, नींबू, लेमन, एल ई एम ओ एन एस, लेमन्स. ओके, नेक्स्ट नंबर सिक्स देखिए, मंकीज लव दीज. इनको जो है मंकीज खाना पसंद करते हैं, और मंकीज को क्या पसंद है, बनाना, बी ए एन ए एन ए एस, बनानास. ओके, तो स्टूडेंट्स ये हुए आपकी जंबल लेटर्स. नेक्स्ट पार्ट है क्रिएटिव राइटिंग. यहां हमने किया था जंबल लेटर, और अब आ रहा है हमारा जो पार्ट राइटिंग सेंटेंसेस का. यहां आपको सेंटेंस दिए गए हैं, जंबल सेंटेंस दिए गए हैं. ओके, आपको इन सेंटेंसेस को रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. ओके, जैसे कि स्काई द फ्लाई आर इन बर्ड. अब ये कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा, हमें नहीं पता लग रहा इज योर व्हाट नेम. यहां भी हमें नहीं पता लग रहा कि मीनिंगफुल इस जो सेंटेंस का क्या मीनिंग है. तो हमें ने अकॉर्डिंग टू रूल इसका जो पैटर्न लगाना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. ओके, अब देखिए कैसे बनेगा ये. वहां जो था क्या लिखा था, द बर्ड्स, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, द बर्ड्स, देन हेल्पिंग वर्ब आर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आई एन जी साथ में है, तो फ्लाइंग इन द स्काई. अब जो सेकंड था वो क्या था, व्हाट इज योर नेम. यहाँ पे तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पे क्या बन रहा है,
क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड लगाएंगे, देन हेल्पिंग वर्ब और देन सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्पीच है वो लगाएंगे। ओके, इसी तरह से थर्ड देखिए, नॉइस ए डोंट मेक, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो कैसे होगा, डोंट मेक अ नॉइस। लवली व्हाट गर्ल ए, अब इसको भी रीअरेंज करेंगे तो व्हाट ए लवली गर्ल, पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे। ओके, सेंटेंसेस 5-8 मेक सेंस, अब जो ये 5-8 सेंटेंसेस है ना, ये एक सेंस बना रहे हैं, वी कैन अंडरस्टैंड देम बिकॉज, देखो हम इन्हें समझ सकते हैं, क्योंकि किस लिए समझ सकते हैं, क्योंकि जो वर्ड्स थे वो करेक्ट ऑर्डर में थे। फिर दूसरा क्या था कि इनमें जो पंक्चुएशन जो लगाई गई है बिल्कुल करेक्ट लगाई गई है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया तो हमें पता लग गया कि क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। ओके, जैसे कि कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी साइन, ये सारे ही जो पंक्चुएशन है बिल्कुल करेक्ट यूज की गई इन सेंटेंसेस में। नेक्स्ट है द सेंटेंसेस गिव्स अस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और जो ये सेंटेंसेस है हमें बिल्कुल ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और जिससे हमें बिल्कुल जो इनका कहने की जो सेंस है, ये कहना क्या चाहते हैं, बिल्कुल इजिली समझ में आ रहा है। ओके, अब स्टूडेंट्स जो एफ पार्ट है, एफ पार्ट में आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको ये जंबल सेंटेंसेस है, आपको इनको रीअरेंज करने हैं। ओके, पुट अ फुल स्टॉप, जहां फुल स्टॉप आना है वहां फुल स्टॉप लगाना है आपको, क्वेश्चन मार्क, आपको लगे कि यहाँ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन पुटअप हो रहा है तो वहां क्वेश्चन मार्क लगाओगे, इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी साइन भी आपको लगाना है। जैसे कि सिंग इज मिस्टर एंग्री वाई, तो अब ये देखिए वाई डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, तो जहां डब्ल्यू एच वर्ड आ जाता है वो सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड लगाएंगे। ओके, जैसे कि क्या होगा, वाई सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगेगा, वाई देन क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, वाई इज देन सब्जेक्ट मिस्टर सिंह, ये सब्जेक्ट है, वाई इज मिस्टर सिंह एंग्री, मिस्टर सिंह एंग्री क्यों है, देन आप लगाओगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, वाई इज मिस्टर सिंह एंग्री। नेक्स्ट देखिए, हर इज टॉकिंग ब्रेकफास्ट शी, यहां देखेंगे क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, शी, देन आएगी हेल्पिंग वर्ब, इज नेक्स्ट है टेकिंग, सॉरी मैंने टकिंग बोला था जबकि ये है टेकिंग, तो देन क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब, टेकिंग, शी इज टेकिंग, देन ऑब्जेक्ट जो रह गया वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्पीच वो लगाएंगे, हर ब्रेकफास्ट। अब ये जो है ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसके लास्ट में हम क्या लगाएंगे, ओनली फुल स्टॉप, कोई इंटरोगेटिव नहीं है, तो हम इसके पीछे ओनली फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट नंबर थर्ड देखिए, लेटर ए राइटिंग इज तरुण, तो इसको सब इसमें भी क्या होगा, सबसे पहले तरुण आएगा, सब्जेक्ट तरुण, देन हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, देन हम मेन वर्ब लगाएंगे राइटिंग, लेटर, तरुण इज राइटिंग अ लेटर, और देन फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स ये जो पंक्चुएशन है ये भी आपको लगवानी जरूरी होती है, इसके भी आपके पॉइंट्स करते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर फोर देखिए, फनी ए व्हाट स्टोरी, तो क्या होगा, व्हाट ए फनी स्टोरी, फनी स्टोरी। अब यहां देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा, कितनी फनी स्टोरी है, तो यहां लगाएंगे लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन, ये होता है एक्सक्लेमेटरी साइन। ओके, नंबर फिफ्थ देखिए, बाल ही रेड ए हैज, तो क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन यहां पे जो है हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, ही हैज अ रेड बाल, जो है मेन पार्ट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्पीच हम लगाएंगे, ही हैज अ रेड बार, और यहाँ पे हम देन लास्ट में क्या लगाएंगे, ओनली फुल स्टॉप। यहाँ सिंपल सेंटेंस है और इसके पीछे हम फुल स्टॉप लगा के इसको एंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जो सेकंड, थर्ड और जो फिफ्थ सेंटेंस है ये हमें, इसे हम इंटरोगेटिव भी बना सकते थे। वो कैसे, इसमें क्या होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगी, बाकी जो है सेंटेंस बिल्कुल ही एज इट इज रहेगा, और लास्ट में फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लगेगा। देखिए कैसे,
She is taking her breakfast. इसको अगर हम interrogative बनाते हैं तो कैसे होगा? Is she? Helping verb सबसे पहले आ जाएगी. Is she taking her breakfast? Then last में question mark लगेगा. Okay? Fourth number देखिए. Tarun is writing a letter. इसको हम interrogative बनाएंगे कैसे? Is Tarun writing a letter? Then question mark. और जो number fifth है, he has a red ball. तो क्या होगा? Has he a red ball? और last में question mark. तो students, इस तरह से हम simple sentences को helping verb आगे लगाकर interrogative में भी change कर सकते हैं. Okay? तो ये हुए students हमारे sentences rearrange. अब देखिए next storytelling में देखिए moral क्या है. We should never disturb our neighbors. हमें कभी भी अपने इस जो story हमने पढ़ी थी, तो इस story से हमें क्या मोरल मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, वी शुड नेवर डिस्टर्ब आवर नेबर्स. हमें कभी भी अपने नेबर्स को, पड़ोसियों को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए. और एनी अदर फोर आर फन, और पड़ोसियों को ही नहीं, किसी को भी, जो चाहे वो एनिमल है, चाहे वो छोटे छोटे इंसेक्ट ही क्यों ना हो, किसी को भी हमें अपने मजे के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए. वी शुड बी नोटी इन अ लिमिट. हमें नोटी तो होना चाहिए. शरारते बच्चे करते हैं, शरारते आप कर सकते हो, लेकिन शरारतों की भी आपकी लिमिट होनी चाहिए. ओके, तो स्टूडेंट्स, ये हुआ है हमारा लेसन नंबर 10 कंप्लीट. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ. थैंक यू.